ये वैसी वाली बात हो गई कि कहीं पर बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और आपने किसी को कह दिया कि देखो यही सबसे बेहतर रास्ता है, चलना है इसी पर चलो क्योंकि यही सबसे अच्छा रास्ता है, ये बता दिया गया डेवन से, तो उसको क्या लगता है कि नहीं यही सबसे बेस्ट है, मेरे को इसी पर चलना चाहिए। मैं उसी गुमराह करने की बात कर रही हूं जिसको लेकर क्लैरिटी ना कभी किसी ने देने की कोशिश की, ना आज कर रहा है, पता नहीं आगे खैर उसको लेकर क्या होगा। अरविंद जी एक जवाब आपसे काउंटर लेती हूँ सर, फिर ब्रेक के लिए जाऊंगी। जी देखिए संजीव कौशिक जी का कहना सही है कि किसी दल के साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके सारे चीजों को आप एडाप्ट कर लेते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को आप क्लैरिटी दें। यदि कांग्रेस एनसी के साथ गई है तो राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि एनसी के जो भारत विरोधी मुद्दे हैं उनके साथ हम नहीं है, और यदि ये नहीं कहते हैं राहुल गांधी तो माना जाएगा कि एनसी ने जो ISI का घोषणा पत्र कॉपी किया है उसके साथ राहुल गांधी भी खड़े हैं। और जब मैं बात ये कर रहा हूँ तो केवल उसके आधार पर नहीं कर रहा हूँ, एक फोटो दिखाता हूँ, देखिए ये कौन है, आप पहचान लीजिए इसको, ISI का घोषित एजेंट है, बांग्लादेशी है, इसका नाम है मिस फिगुन फजल अंसारी। तो ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ आज कांग्रेस खड़ी है। एक स्थिति आती है जब सत्ता नहीं मिलती है तो आप देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं मिल रही है तो कैसे भी मिले, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, दशकों तक रही है, लेकिन राष्ट्रीय हित के इश्यूज पर हम कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहे हैं। इसी कश्मीर और पाकिस्तान के इश्यूज पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत में कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधित्व करने, भारत का प्रतिनिधित्व करने विदेश गए थे। ये राहुल गांधी को सीखना चाहिए। बीजेपी का विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के विरोधी हो जाइए, भारत के विरोध में खड़े होइए और ISI के तत्वों से, उनके दलालों से, उनके एजेंटों से आप हाथ मिलाइए, ये ठीक नहीं है। देश हित फर्स्ट है, चुनाव आते हैं चुनाव जाते हैं, लेकिन आप भारत विरोधी रुख अपनाएंगे। और एक चीज और, हमारे मित्र प्रभात जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 370 क्यों नहीं हटाया, तो सबको पता है हमें पूर्ण बहुमत नहीं था, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रहे थे, लेकिन हमने कहा था कि जिस दिन हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा 370 हटा देंगे, और जब हमें पूर्ण बहुमत मिला तो हमने 370 को उठा के फेंक दिया। नेहरू की तरह से केवल हमारा वादा नहीं था, घिस जाएगा, हमने घिस को दिखा दिया देश को।